बारिश तो हो रही है पर गर्मी उतनी ही है। चलो स्कूल की यादें कुछ ताजा करते हैं, जाके फेविस्टिक लेते हैं। क्या है ये, रॉन्ग साइड से आते रहती है पब्लिक। देखो इसको, देखो ला 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 ला। हाँ इसको यहाँ पे रखते और आगे गाड़ी एसी ऑफ। हमेशा मेरी आदत है कि गाड़ी को इग्निशन देने के पहले मैं एसी ऑफ करता हूँ, उससे कोई ना कोई चीज़ की तो लाइफ बढ़ती है, ये श्योर है। तो अपन लाइफ बढ़ाने का काम करते हैं, कम करने का नहीं, और निकलते आगे। ये जो डॉगी है ये अपने आप ही रहता है, ये एरिया में क्या कर रहा है, ये अपने एरिया एक्सपेंशन कर रहा है क्या। चलो ठीक है, ये भी अच्छा ही है, इट्स अ गुड थिंग। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और आज का दिन बड़ा मस्त है, मस्त है मतलब बारिश हो रही है। पिछले कुछ आई गेस एक हफ्ते से ऐसी तड़कती झड़कती धूप थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि जुलाई महीना तो छोड़ो, अगस्त जुलाई तो छोड़ो, ऐसा लग रहा था मई मंथ, अप्रैल मई चालू है। तो आज सुबह उठा और देख रहा हूँ बाहर, मतलब ऑलरेडी ठंडा हो गया था पर उसके बाद अभी इतना मस्त हो गया ना, बारिश 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 हो रही है। मतलब ऐसे हो रहा है जो पिछला ब्लॉग अपना था उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, वही मानसून के मतलब बोलते ना सिनेरियो में। और धूप धूप नहीं दिखा रहे, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि 12 महीने से हम लोग 8 महीने तो एटलीस्ट धूप ही दिखाते रहते हैं और बारिश बहुत ही कम रहती है। यहाँ से तब भी लेते हैं राइट, अपन जाने का तो सीधा है बट राइट लेके लेफ्ट लेके आगे काम करके फिर सीधा वापस रोड पे। और ये अपना सर्विस सेंटर है। अच्छा यहाँ से आया आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ये जो है ना संजय मोटर्स, एकदम अपना सब गाड़ी का काम यहाँ पे ही होता है। आज तक मैंने दिखाया नहीं तो अभी इसका सर्विस शेड्यूल भी आने वाला है, मतलब हो गया है। ऑलमोस्ट 14,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है तो अभी ऑयल ऑयल चेंज करने का मेजर सर्विस का टाइम आ गया। मेजर सर्विस मतलब इन व्हाट सेंस के ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर चेंज और कैबिन फिल्टर चेंज करने की रिक्वायरमेंट और जरूरत पड़े तो कर देना चाहिए। ये मार्केट ये राइट में सिर्फ इतना नहीं देख रहा है, ये बहुत एकर्स में फैला हुआ है एंड दिस इज द बिगेस्ट होलसेल मार्केट इन एंटायर एशिया, मतलब पूरे एशिया में सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पे 1000 मतलब 1000 गाले है यहाँ पे, 1000 सिग्नल मतलब एक प्रकार की रेसी होती है जो स्टार्ट में खड़े होते हैं ना उनको लग रहा है लाइक मतलब बस। चलो अच्छा 12 seconds, 11, 10, 9, 8, 7 यस पीसफुली सिग्नल क्रॉस कर दिया। देखा सिग्नल तोड़ेगा और ये लोग पकड़ लेंगे, जगह पे फाइन मार देंगे जगह पे, किसी को तो पकड़ लिया अभी। ये वाला सिग्नल पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का है तो ये ज्यादा नहीं 30-35 सेकंड का होता है बट ठीक है, रोड क्रॉस करने के लिए स्पेशली ये सिग्नल बनाया हुआ है। और क्योंकि एक टाइम पे जब यहाँ पे सिग्नल नहीं था ना तो इतना एक्सीडेंट्स हुआ करते थे बहुत ज्यादा, तो अभी एक मतलब बोल सकते कि अच्छा ही है कि ये सिग्नल बना दिया है। तो मेरी दूसरी वन ऑफ द फेवरेट है लेक्सस। अगर ये ले तो इसका मतलब स्पेयर्स और मेंटेनेंस कैसे कर पाएंगे, स्पेयर्स कहाँ से अरेंज कर पाएंगे क्या पता। देखो मैंने अभी कैमरा माउंट से निकाल लिया और बस इधर उधर वीडियोस निकाल रहा हूँ क्योंकि इतनी फुर्सत है ना, इतनी फुर्सत है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उतर के कहीं पे जाके आ सकता हूँ, टहल सकता हूँ रोड पे, क्योंकि आगे जो भयंकर ट्रैफिक है ना उसका कुछ नहीं कर सकते। पिछले 15 मिनट से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ मैं और ये हिलने का नाम नहीं ले रहा है और अपन लेट तो होके वो ख़त्म हो गया है। अभी ठीक है, अभी बस पहुँचना है मुझे कैसे भी करके, तो वो भी पहुँचने नहीं देने वाले।
वो मिक्सर बिना वजह आगे घूमते घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, क्या घुमा रहा है पता नहीं अंदर। अगर किसी को पता है ये मिक्सर घूमते क्यों रहता है तो प्लीज मतलब बताओ क्या कैसे रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मिक्सर है ना उसके अंदर ये रहेगा सीमेंट कंक्रीट रहेगा जो कि ड्राई नहीं होने के लिए वो रोटेट करते रहता है। का कंडीशन बताता हूँ, अपनी गाड़ी फर्स्ट गियर पे ही चल रही है, वो नीचे जो प्लास्टिक पड़ा है उसको अवॉइड करना, वो इमरजेंसी के लिए रखा है, पेपर्स ठीक से रखने के लिए उसमें तो दैट इज ओके। यहाँ पे मेरा हैंकरचीफ पड़ा है, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है और कुछ खराब नहीं है गाड़ी में, एवरीथिंग इज क्लीन एंड नीट। तो ये ट्रैफिक में से आगे निकलेंगे ना, ब्रिज के ऊपर एक लेन बन के रखा है लोगों ने, और वो भी मतलब पीक आवर्स में सुबह के 11 बजे। मतलब पिछले 17 मिनट से मैं यहाँ पे ही मतलब आगे जा रहे हैं, सबका वही प्रॉब्लम होगा यार, सबको कहीं ना कहीं पे पहुँचना है और कितना भी बोलो उतना कम है। एनीवेज महिंद्रा इधर WD-40 का एटलीस्ट ढक्कन तो गाड़ी में होना ही चाहिए जो भी महिंद्रा यूजर्स हैं उनको पता है, दे नो दे कैन लाइक फील माई इमोशंस। तो गाड़ी अपनी फर्स्ट गियर में ही आगे आगे टुक 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 चल रही है और मैं बस कोसे जा रहा हूँ आगे, कोसे जा रहा हूँ मतलब जो मेरे मन की मेरा मन का दुख है वो हल्का कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये देखो महिंद्र की थार आहाकार, ये देखो इसका कुछ सेंस बनता है क्या, कुछ सेंस बनता है क्या इसका दिन दहाड़े काम करने का यार। तो कैमरा वापस माउंट कर देते हैं और आगे का सीन देखते हैं। यहाँ पे लास्ट ब्लॉग में कैसे पानी भरा था देखा था आपने, क्या खतरनाक सीन हो गया था, और आज बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ड्राई वेदर है, बस थोड़ी सी रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही है। और ये राइडर कब से मेरे आगे और इतना सही कूल लग रहा है यार, हिमालयन और साइड सैडल बैग्स और मतलब पूरा गियर अप होके कहीं पे लॉन्ग राइड पे जाने का इसका मजा ही अलग हो गया। लकी गाय अभी जस्ट एकदम फ्री हो गए, दोपहर के बज रहे हैं 2:15 और अभी मैं ये बंद करता हूँ क्योंकि बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, काफी मेहनत हो चुकी है। कहते हैं ना गवर्नमेंट से काम आने चार तास काम, तो वही हो रहा है अपने साथ, सामने ऑफिस है और मैं यहाँ पे एक घरगुती जेवन यहाँ पे मतलब केंद्र है तो वहाँ पे जाके लंच करने वाला हूँ और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन से कोळंबी दाळ सुकी भाजी चण्याची उसळ चिकन भी। यहाँ पे ना होममेड फूड खाने का मजा ही अलग है और सामने मुझे काम है और यहाँ पे बैठा हूँ मैं खाना खाने के लिए। इस 3:00 खाना खाने के लिए लेट हो गया है और आगे बहुत ही पी पा पू पा है, ट्रैफिक भरा एरिया है और भूख लगी। तो अभी मैं मराठी में ही बताता हूँ कि इसमें क्या क्या डिशेस अवेलेबल है। सो दिस आर चपातीस, चपाती राइस, सिंपल दाल और चण्याची उसळ एंड दिस इज ताक, ताक के साथ थोड़ा चटनी है। तो सिंपल सा खाना है बट बहुत ही यम लग रहा है, तो इसको खाते हैं और फिर बता दें कि कैसे लगा करके। सो लेट्स स्टार्ट द फूड। बहुत मस्त लग रही है, दिस इज चण्याची उसळ, प्रॉपर ऑथेंटिक फूड। तो अभी अपना खाना हो चुका है और जस्ट निकला हूँ, एक वही छोटा सा काम निपटा के अपन निकल जाते हैं। और ये पीछे मेरे हैं रेस्टोरेंट है गुडलक पालवी स्वाद, तो एक्चुअली स्वाद है उनके खाने में, खाना के मजा है। अभी चलते हैं आगे निकलते हैं और फाइनली घर की तरफ निकलेंगे। अरे बाबा इतनी धूप निकली है ना, अभी सुबह ही तारीफ कर रहा था और मजे से आ रहा था और अभी ऐसे आंख मेरे से, आज फिर भी ना कुछ भी ट्रैफिक नहीं है, मतलब इतना इजीली आया ना मैं वो साइड से ये साइड पे, बस प्रे कर रहा था क्योंकि मेरा और एक मीटिंग है तो उसके लिए लेट नहीं होना है। तो बस निकल गए वहां से, अब जाते टाइम कोई ब्रिज का काम चालू नहीं है तो अपने को पूरा खुला रोड मिलना चाहिए। और यहाँ पे जो सबवे करवा के यहाँ पे उधर पे भी पानी नहीं है, धूप है यार, कुछ भी नहीं है अभी, अभी इजी इजी को चाहिए, इजी को। टनल आ गया और
कुछ नहीं है तो गाड़ियां ट्रैफिक करेंगे। तो जो खाना था वो काफी टेस्टी था, यम था, जब है अच्छा था और पेट भी एकदम हल्का है, ऐसे भी नहीं कुछ इंडाइजेशन है, ऐसे कुछ नथिंग, बहुत सही है, ऐसा लगा घर पे खाना खा। इट्स गुड। वेल अभी सनग्लास पहनने का टाइम आया है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। मेरा डोला नहीं आया, डोला ये कोई पोज नहीं दे रहा हूँ, बहुत बॉडी पूरी अकड़ गई है तो मैं स्ट्रेचिंग कर रहा था।